सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये एक मेथड है हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का। इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हमें अलग अलग साल दिए कि एक पार्टनरशिप फर्म ने पिछले 5 साल में, ये 5 साल है, कितना कितना प्रॉफिट कमाया। देखो धीरे धीरे उनका प्रॉफिट क्या हो रहा है, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं उनका प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है। दिख रहा है ना तुम्हें, 50,000 से 3 लाख तक पहुंचा दिया, तो धीरे धीरे रेपुटेशन बिल्ट होते जा रही है। अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है किसी एक साल में, मान लो यहाँ पे लॉस हो सकता है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स है जिनकी अच्छी गुडविल है उनको भी तो लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट होएगा, बट हाँ एक गुडविल के वजह से एक एक्स्ट्रा एज है, एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है कि ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, बस इतना ध्यान रखना। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर इसका एवरेज कैसे निकालोगे, देखो ये जो 5 साल है इन 5 सालों को टोटल कर लोगे और डिवाइड कर दोगे 5 से। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर मैं पूछूं तुम, अगर 3 बच्चे हो मेरी क्लास के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, अभी तो काफी ज्यादा हो पर, लेकिन अगर 3 बच्चे हो तो 3 बच्चों की एज लिखते हैं यहाँ पे, एक की 22, एक की 18 और एक की 20। ये एज अगर हम लिखते हैं तो मैं पूछूंगा एवरेज कैसे, कि हमारी क्लास की एवरेज एज कितनी है, तो क्या करोगे सबकी एज का टोटल कर लोगे और जितने बच्चे उससे डिवाइड कर दोगे और बोल दोगे कि सर 20 ईयर्स की एज है हमारी, हमारी तो छोटी है 12वीं के बच्चे, कि सर सबकी एज को ऐड कर लोगे और 3 से डिवाइड कर लोगे। तो इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट कैसे होएगा, पिछले 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज मेरे पास कितना आ जाएगा, 1,60,000। इन सब का टोटल कितना था, 8 लाख, जो ब्रैकेट लगा रहा हूँ ना, इन सब का टोटल था 8 लाख रुपए, 5 से डिवाइड करा तो 1,60,000 रुपीज आ गया आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना एवरेज निकालने में, बहुत सिंपल था। नो सर। चलो आगे करते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दी है क्योंकि इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूँ एक ही स्लाइड पे समझ ले हम। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्म है, ये हमारी शॉप 2 थी, उसके गुडविल थी ना, ये उसके प्रॉफिट्स है, तो शॉप 2 को क्या लग रहा है आने वाले 3 साल तक उनकी गुडविल कायम रहेगी, गुडविल पे कोई हार्म नहीं होएगा। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है कि शॉप 2 को लग रहा है, जो हमारी फर्म है जिसका हम गुडविल निकाल रहे हैं, कि आने वाले थोड़े से साल, जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर 3 साल लिए, कि 3 साल तक तो हमारी गुडविल बनी रहेगी और उसके अंदर हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, तो 3 ईयर के एस्टिमेट के ऊपर कैलकुलेट करनी करी जाएगी। इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे मीनिंग भी समझा देता हूँ। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज एस्टिमेटेड फ्यूचर ईयर फॉर विच फर्म मे अर्न, देखो मैंने वर्ड भी डाला है मे, शायद करे शायद ना करे, बात समझ आ रही है। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या हुआ कि आने वाले कुछ साल तक मुझे लग रहा है कि मेरी फर्म इतने गुडविल की वजह से प्रॉफिट देगी, तो इसलिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करा जाता है किसको, एवरेज प्रॉफिट्स को। गुडविल निकालने के लिए ये वाले एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करा जाएगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। देखो नीचे अभी फॉर्मूला नोट मत करो, नेक्स्ट पेज पे फॉर्मूला साफ सुथरा और अच्छा सा है और उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन भी करने हैं। और एक चीज नोटिस करो, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है प्रॉफिट्स के साथ, ये तो मल्टीप्लाई वाला है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ या मल्टीप्लाई वाला कर देता हूँ, बट ये वाले स्टार का मतलब क्या है कि इसमें एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, आज बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन। 1,60,000 एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये मल्टीप्लाई है इधर, इज इक्वल टू 4,80,000, ये हमारी क्या गुडविल। ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, गुडविल ऑफ फर्म, ये फर्म की है, एक इंडिविजुअल पार्टनर की नहीं है। अगर एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है तो तीनों की है, 4 है तो चारों की है, एक इंडिविजुअल पार्टनर की नहीं है, ये टोटल है, ध्यान देना बाद में प्रॉब्लम करेगी ये चीज। अभी चलते हैं आगे अगली स्लाइड पे, फॉर्मूला देखते हैं इसका गुडविल। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये वाला नॉर्मल, यहाँ पे देखो पिछली स्लाइड पे मैंने वर्ड नॉर्मल नहीं लिखा था, बट तुमने लिखना है वो एडजस्टमेंट किसके लिए, नॉर्मल करने के लिए, प्रॉफिट्स को नॉर्मल करने के लिए हम करेंगे वो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन, बट कल की क्लास में करेंगे। और इसके बाद फॉर्मूला मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये देखो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स, मतलब सारे 5 साल के प्रॉफिट का टोटल लगा लो, फिर उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, ये तो हो गया ना एवरेज, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट्स, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा गुडविल, और वो ये गुडविल ऑफ फर्म, एक इंडिविजुअल पार्टनर की नहीं होगी, इसको नोट करना कर लो फटाफट, फिर क्वेश्चन करते हैं इसे, बहुत ज्यादा सिंपल है बहुत बेसिक है, 2 क्वेश्चन हाथ से निकालेंगे क्लियर हो जाएगा, बट पंगा कहाँ पड़ेगा ये एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट हमने करनी है कल। चलो क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुक के क्वेश्चंस की पीडीएफ है, मैं तुम्हें भेज दूंगा। मैंने एक साथ ही सारे गुडविल के क्वेश्चंस की पीडीएफ कर ली। कितने क्वेश्चन है देखो इसके अंदर, बस 48 क्वेश्चंस हैं। ज्यादा मुश्किल है नहीं, आसान आसान है। थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, संडे को एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ये लाइन लाइन में इतना कंफ्यूज कर दिया उसने तुम्हें कि क्या परचेज है और कितने साल का एवरेज है। लो मैं कर देता हूँ सम। एट 3 ईयर्स परचेज, ये परचेज के लिए बोला और ये एवरेज के लिए बोला। 4 साल की एवरेज और 3 ईयर का परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ लास्ट 4 ईयर। सर मतलब क्या हुआ इसका, 3 ईयर परचेज और एवरेज जो है? चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। पिछले 4 साल का मुझे ये प्रॉफिट दिया, इसका पहले मैं एवरेज निकालूंगा, फिर उसको 3 साल से परचेज करूंगा, तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। चलो करते हैं, इस लाइन पर थोड़ा सा ध्यान दो। एट 3 ईयर्स परचेज, परचेज ये और एवरेज 4 साल का, तो 4 साल के प्रॉफिट दिया उसका मुझे एवरेज करना है और 3 ईयर का परचेज। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट्स 2016 का था 12,000, तो सीधा सीधा लिख दूंगा मैं 12,000, 18,000 प्लस 16,000 और 14,000, इन सब के नीचे डिवाइड करना है 4 से, 1, 2, 3, 4। तो 4 से डिवाइड करोगे ना, जैसे मैंने बोला हमारी क्लास में अगर 3 बच्चे तीनों की एज का एवरेज, तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो। ये देखो 30,000 30,000, 60,000 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। ये तो हो गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। अभी बिना एडजस्टमेंट वाले कर रहे हैं, एकदम बेसिक और सिंपल क्वेश्चन, तो ध्यान रहना। फिर इसके बाद गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तुम्हें मिलेगा नहीं चैप्टर पूरे 12वीं के अंदर। 4 नंबर पक्के करके चलो अभी से कम, इसमें 4 में से 4 आ सकते हैं। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट कितना अपने पास, 15,000, और क्वेश्चन ने क्या बोला था, एट 3 ईयर्स परचेज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 45। ये 3 ईयर्स परचेज और 4 ईयर्स एवरेज, उसकी लैंग्वेज उसने ऐसे लिखी थी ना, बच्चे फंस जाते हैं। तो एक बार इसको दोबारा से देख ले, देखो कहाँ लिखा है, एट 3 ईयर्स परचेज और 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो इस लाइन की बात कर रहा था मैं कि 4 से डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी बात कर रहा था मैं। ये परचेज से मल्टीप्लाई होता है और उससे डिवाइड होता है, बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्चुअली भी समझ लो, पिछले 4 साल में हमें इतना प्रॉफिट हुआ, तो एवरेज प्रॉफिट एक साल में हमें 15,000 हो ही जाता है, और हमें लग रहा है आने वाले 3 साल तक वो प्रॉफिट चल सकता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। गुडविल ऑफ फर्म यहाँ पे जरूर लिखना, गुडविल ऑफ फर्म, ये एक पार्टनर की नहीं है। अगर एक पार्टनर की निकालनी होगी तो निकाल लेंगे, बट अभी नहीं, अभी आने दो क्वेश्चन, उसको अभी से भी इतना सीखो कि गुडविल ऑफ अ फर्म कैसे निकाली जाती है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये तुमने करना और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। बहुत सिंपल और बेसिक क्लास है आज की। कैलकुलेट गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, 3 साल के परचेज, तो इससे तो मल्टीप्लाई करना है, ये क्रॉस नहीं है, तुम लोग क्रॉस देख के खुश हो गए, तो ये हमें नहीं करना, ये मल्टीप्लाई है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का हमें करना है एवरेज, तो 5 से हमें करना है डिवाइड। ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे लिखा है एक लॉस, अपने आप करो और आंसर मैच कराओ मुझसे जल्दी से, नहीं होएगा तो मैं कराऊंगा, जल्दी से करो। किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज अपने आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक पेपर में नहीं कर पाओगे। टेस्ट करके देखा था ना क्या हाल हुआ था, मैं करा दूंगा तो हो तो जाएगा, बट खुद से नहीं करोगे तो पेपर में नहीं हो पाएगा। सर ये लॉस वाला है, ये माइनस होएगा, बिल्कुल करिश्मा एकदम सही है, एवरेज निकालते हुए इसको माइनस करना है, 4 लाख को माइनस करना है, बिल्कुल सही है एकदम। सारे प्रॉफिट को ऐड करना है, बस लॉस को उसमें से माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है। ठीक बोला करिश्मा एकदम, ठीक है गगन तुम्हारा आंसर। सर 10 लाख है क्या आंसर? हाँ नहीं, हाँ विवेक आंसर ठीक है, अभिषेक आंसर गलत है। चलो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, कहीं कुछ कुछ बच्चों का आंसर सही है, कुछ कुछ का नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूँ। कैसे करेंगे ये देखो,
सर 34,80,000 नहीं नहीं 30 लाख का आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में पहले हम ऐड करेंगे 8 लाख, फिर प्लस करेंगे 15 लाख, फिर प्लस करेंगे 18 लाख, और लॉस हुआ था ना किसी एक साल जो 4 लाख का लॉस, तो मैंने ऐड कर दिया लॉस, तो जो 4 लाख का लॉस है उसे माइनस करेंगे और प्लस कर लेंगे 13 लाख के, इसके टोटल को डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 से, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 50 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया मेरे पास 10 लाख। अच्छा किसी ने मुझे 10 लाख भी आंसर बोला था, तो उसने अगर एवरेज प्रॉफिट का बोला तो ठीक है, बट फाइनल मैंने 10 लाख बोला था, इनटू 3 नहीं करा था मैं। अच्छा ठीक है कर लो, अब गुडविल ऑफ फर्म यही सेम चीज लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, मैं इतना नहीं खत्म करना चाहता हूँ बट तुम लोग लिख के करोगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 है तो 30 लाख रुपीस हमारी आगे गुडविल ऑफ फर्म, सिंपल है ये। ओके सर ठीक है, तो अभी इसका होमवर्क भी ले लो, आज कुछ ज्यादा नहीं करेंगे बस यही करेंगे, अगली क्लास से इसमें एडजस्टमेंट डाल के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक से लेके 6 तक इसी मेथड के ऊपर है, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 3, तो तुम्हारे पास 2, 4, 5, 6 4 क्वेश्चन रह गए करने के लिए, बस उसको कर लेना, नोट्स के नोट्स की पीडीएफ मैं भेज दूंगा, वैसे भेजने की जरूरत नहीं है, इसी का स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें है ही क्या भेजने लायक, जल्दी से ले लो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। गगन मैं तुम्हें बताता हूँ कब होगी वाली क्लास, रुक जाओ अभी 1-2 दिन रुक जाओ, मुझे याद रहेगा तो बुला लूंगा, और पास एडजस्टमेंट किसी को दोबारा से करना हो तो मुझे बता देगा, क्योंकि 1-2 दिन में हो जाएगी तो उससे पहले बता देना।